My name is Alex Hormozi and I have nothing to sell you. ये कहना उस आदमी का है जिसने अपने 20s में कई जिम्स लॉन्च किए और millions of dollars कमाए, जिसके पास एक टाइम पर अकाउंट में सिर्फ $1,000 थे एक बहुत बड़े बिजनेस लॉस के बाद, और उसके सिर्फ 3 महीने बाद उनके अकाउंट में $1 million आ गए और 30 साल की एज तक उन्होंने एक $100 million की कंपनी बना ली। Hey guys, welcome back to Live Yan and this is a summary of $100 million offers. और आज आप सीखेंगे कि कैसे irresistible offers बनाएं, जिससे लोग आपसे खुद ही कहेंगे take my money. एलेक्स Hormozi एक entrepreneur, philanthropist और investor होने के साथ साथ marketing genius भी हैं। वो कहते हैं, अगर आपको कुछ sell करना है तो सामने वाले को एक ऐसा offer दो जिससे मना करने से पहले वो 10 बार सोचे। एलेक्स Hormozi अपनी book $100 million offers को सिर्फ 99 cents में ही बेचते हैं, जो अपने आप में ही एक ऐसा offer है जिसे कोई ignore नहीं कर सकता। इस book का सबसे पहला lesson है, offer the incomparable. हर बिजनेस में एक प्रॉब्लम जरूर आती है। अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो तो मार्केट में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपसे कम प्राइस में सेम चीज को सेल कर रहा होगा। सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है प्राइस पे कम्पीट करने का, कि सबसे सस्ता बेचो, लेकिन ये करके आप खुद ही के प्रॉफिट्स कम करते हो। इसीलिए एलेक्स कहते हैं कि कभी कमोडिटी ट्रैप में मत फंसना। कमोडिटी वो प्रोडक्ट या सर्विस है जिसे कोई भी दूसरा बिजनेस कॉपी करके आपसे सस्ते में बेच सकता है। इस ट्रैप से बचने के 3 तरीके हैं। 1. Find a starving crowd. Alex का कहना है, the most fundamental part of our business is not what we're selling, but who we are serving. आप क्या बेच रहे हो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप किसको बेच रहे हो वो ज़्यादा important है। इसीलिए कोई भी नया business start करने से पहले अपनी target market को ढूंढो, who are starving for what you're selling. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समोसे बेच रहे हो तो या तो आप सबसे सस्ता या सबसे टेस्टी समोसा बनाओ, बट इसमें कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक भूखे क्राउड के पास अपनी दुकान खोलते हो तो अपने आप ही समोसे बिक जाएंगे। आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जिन्हें या तो किसी चीज़ की अर्जेंट नीड है, या किसी चीज़ का डिज़ायर है, या उनका कोई बहुत बड़ा पेन है और आप उस पेन को दूर कर सकते हो। आपका टारगेट कस्टमर इन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया में ज़रूर फिट होगा, और आपको बस ऐसे ही सिमिलर लोगों को ढूंढना है जो आपकी टारगेट मार्केट बन जाएगी। सेकंड, नैरो योर नीश। अब इस टारगेट मार्केट में आप सभी को सर्व नहीं कर सकते, आपको अपने कस्टमर प्रोफाइल को और नैरो करना होगा, जहां आप कुछ ऐसा सर्व करो जिसमें ऑलमोस्ट कोई कॉम्पिटिशन ना हो। एलेक्स कहते हैं, जब तक आप साल का कम से कम $10 million ना कमाएं, तब तक आपको अपनी कस्टमर प्रोफाइल इंक्रीज नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जेफ बेजोस ने जब अमेजोन स्टार्ट किया तो वो ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ बुक्स बेचते थे। वो सिर्फ उन कस्टमर्स को सर्व कर रहे थे जिन्हें बुक्स पढ़ने का शौक था, और जब उनका ये ऑनलाइन बुक स्टोर सक्सेसफुल हो गया तब उन्होंने 1997 में IPO लॉन्च किया, जिसके बाद धीरे धीरे अमेजोन ने अपनी सर्विसेज को भी एक्सपैंड किया। एंड थर्ड, बिल्ड अ यूनिक ऑफर। आपके कंपेटिटर्स को छोड़ के कोई आपसे क्यों खरीदे? जब आप इस सवाल का जवाब क्लियरली अपने कस्टमर के माइंड में डाल दोगे, तब आपके बिजनेस को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। 1973 में पिज्ज़ा तो सभी बेच रहे थे, और कंपटीशन इस बात का था कि कौन सबसे सस्ता पिज्ज़ा बेच सकता है, पर यहाँ डोमिनोज एक ऐसा ऑफर लाए जिसने पूरी मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। अगर 30 मिनट्स में डिलीवरी नहीं हुई तो पिज्ज़ा फ्री। तुमको क्या भाई साहब टाइम पे आने की बीमारी है? इस ऑफर के आते ही कस्टमर का सारा ध्यान पैसे से हटकर इस बात पे आ गया कि 30 मिनट में पिज्जा डिलीवर होगा भी या नहीं, और डोमिनोज ने अपने प्राइसेस कम नहीं किए, फिर भी उनकी सेल्स बढ़ गईं। पिज्जा तो लोग कहीं से भी खरीद सकते हैं, शायद उन्हें थोड़ा सस्ता भी मिल जाए, पर डोमिनोज सब इसीलिए ऑर्डर करते थे क्योंकि 30 मिनट्स में उनके घर तक पहुँचना है, जो उस टाइम और कोई नहीं कर रहा था। ये होता है एक ऐसा ऑफर जिसे कोई मना ना कर पाए। सेकेंड मेन लेसन इस बुक का है, रेज योर वैल्यू। हर बिजनेस में प्रॉफिट को बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा लोगों को सेल करो, या फिर उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दो ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। एलेक्स के अकॉर्डिंग ज़्यादातर बिजनेस जो हम और आप शुरू कर सकते हैं, उसमें बेस्ट स्ट्रैटेजी अपने प्राइस को इंक्रीज करना है। हम सब अमेजोन जैसा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते जहाँ हम कंपेटिटिवली प्राइसेस को कम करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आप ज़्यादा कस्टमर रीच करने के चक्कर में प्राइस पे कम्पीट करते हो, तो आप डाउनवर्ड स्पाइरल में जाने लगते हो, जहां आपके प्रॉफिट्स कम होते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी और लो हो जाती है, और कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। प्राइस पे कम्पीट करने की स्ट्रैटेजी सिर्फ उन कंपनीज के लिए काम करती हैं जो VC बैक्ड हैं, जिनके बैंक में बहुत पैसा है लूज करने के लिए। छोटे बिजनेसेस को एलेक्स ही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। जो बिजनेसेस अपने कस्टमर से प्रीमियम अमाउंट चार्ज करते हैं, वो अपवर्ड स्पाइरल में जाते हैं। ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन से आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज कर पाते हो, एडवर्टाइजमेंट कर पाते हो,
जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस और बेहतर होता है। इनफैक्ट काफी स्टडीज में यही पाया गया है कि लोग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेहतर समझते हैं। अगर आप कस्टमर से ज्यादा पैसे लेते हो तो आप उन्हें ज्यादा वैल्यू भी डिलीवर कर पाते हो। अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपका ये मोटो होना चाहिए, फुलफिल देयर डिजायर विद ग्रेटर सर्टेनिटी इन लेस टाइम विद लेस एफर्ट। एक एक करके इसको देखते हैं। फुलफिल देयर डिजायर, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कॉपीराइटर्स डैन कैनेडी कहते हैं, पीपल डू नॉट बाई थिंग्स फॉर व्हाट दे आर, दे बाई थिंग्स फॉर व्हाट दे डू। बहुत सारे लोग बिजनेस में एक मिस्टेक करते हैं, जब भी वो कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं वो अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं, इसमें ये फीचर है या इतने कलर्स हैं, पर बहुत बार वो भूल जाते हैं कि लोग फीचर्स नहीं बेनिफिट्स देखते हैं। आपके प्रोडक्ट से उनका कौन सा डिजायर फुलफिल हो रहा है वो ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को जिम मेंबरशिप नहीं चाहिए होती है या लोगों को जिम जाना भी नहीं होता है, उन्हें या तो वेट लॉस करना होता है या मसल्स बनानी होती है। एलेक्स ने अपने जिम के फीचर्स को नहीं एडवर्टाइज किया बल्कि उनके लोगों के फिट रहने के डिजायर्स को बेचा। सेकेंड, प्रोवाइड ग्रेटर सर्टेनिटी। एज अ बिजनेस ओनर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके कस्टमर को रिस्क नहीं पसंद है। अगर उन्हें जरा सा भी डाउट है आपकी एबिलिटी पे तो आप वहीं हार जाओगे। लोग आपको ज्यादा पे करेंगे जब उन्हें ये श्योरिटी हो कि आपके प्रोडक्ट से उन्हें 100% रिजल्ट मिलेगा। एलेक्स एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो दो वेट लॉस सर्जन है, एक जो अभी नया नया डॉक्टर बना है और कोई ऑपरेशंस नहीं किए हैं और उसका चार्ज $5,000 है, और एक जिसका 25 साल का एक्सपीरियंस है जो हजारों ऑपरेशंस कर चुका है और उसका चार्ज $25,000 है। ज्यादातर लोग सेकंड डॉक्टर को चूज करेंगे और ज्यादा पैसे देंगे क्योंकि दूसरे डॉक्टर के साथ ज्यादा सर्टेनिटी है। थर्ड, लेस टाइम। स्पीड बहुत वैल्यूबल चीज़ है। लोग अपनी डिजायर्ड चीज़ को जल्दी पाने के लिए या अपने पेन से और जल्दी छुटकारा पाने के लिए और ज्यादा पैसे आपको पे करेंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी स्पीड की वैल्यू करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न प्राइम मेंबरशिप से फास्ट डिलीवरी, मैकडॉनल्ड्स का 5 मिनट फास्ट फूड या फेडेक्स की ओवरनाइट शिपिंग। ये सब वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं जिसके आप ज़्यादा पैसे देंगे। एंड लास्टली, लेस एफर्ट। कस्टमर का डिजायर्ड रिजल्ट मिलने के पूरे प्रोसेस को बहुत आसान करना होगा। उस रिजल्ट को अचीव करने के प्रोसेस में से कुछ स्टेप्स एलिमिनेट कर दो जिसपे आपके कंपेटिटर्स ध्यान नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एलेक्स हॉर्मोजी ने एक कॉम्प्लेक्स स्प्रेडशीट ऐप को बनाया जिसमें कस्टमर के पर्सनल गोल्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली वीकली मील प्लान क्रिएट हो जाता था। उन्होंने स्प्रेडशीट को सिर्फ एक बार बनाया और इस एसेट ने उनके क्लाइंट को सालों तक वैल्यू प्रोवाइड करी। उन्होंने अपने क्लाइंट्स को डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए एफर्ट कम कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट से पहले मैं आपके साथ एक छोटा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस को कुछ टाइम से देख रहे हो तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप कब से देख रहे हैं और आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं। इससे मैं आपके लिए टारगेटेड बुक समरीज ला पाऊंगा। थर्ड लेसन इस बुक का है, सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स। अ ग्रेट ऑफर रिमूव्स ऑल ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ योर कस्टमर्स रियल डिजायर। एलेक्स कहते हैं, एक ग्रैंड स्लैम ऑफर वो है जो आपके कस्टमर्स की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दें, जो कि इतना ज्यादा वैल्यूबल हो कि कोई भी कस्टमर उसे रेजिस्ट ना कर पाए। ग्रैंड स्लैम ऑफर बिल्ड करने के लिए आपको इन तीन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। नंबर वन, फाइंड आउट देयर रियल डिजायर। आपका ऑफर आपके कस्टमर्स के डिजायर्स को इन एंड आउट फुलफिल करना चाहिए, इसीलिए आपको पता लगाना होगा कि आपके कस्टमर चाहते क्या है। बार बार वाई पूछते रहो जब तक कि आपको कस्टमर के कोर डिजायर का ना पता चले, और फिर आप अपना ऑफर इन कोर डिजायर के ऊपर बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एलेक्स ने सोचा कि लोग जिम क्यों ज्वाइन करते हैं, लोग जिम मेंबरशिप क्यों लेते हैं, फिट रहने के लिए। हर किसी के अपने स्पेसिफिक गोल होते हैं, किसी को सिक्स पैक एब्स चाहिए, किसी को लीन बॉडी बनानी है, किसी को एक महीने में 5 किलो कम करना है, या किसी को अपने पुराने कपड़े पहनने हैं। बट जो भी लोग जिम ज्वाइन करते हैं उनका कोर मोटिवेशन होना है फिजिकली फिट होना। अपने कस्टमर का कोर डिजायर फिगर आउट करने के बाद आपको सारे ऑब्स्टिकल्स लिस्ट करने होंगे उस डिजायर को पाने में। ये देखो कि अपने डिजायर्ड गोल को अचीव करने में वो किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वो कौन सी चीज है जो उन्हें अपने डिजायर फुलफिल करने से रोक रही है। आपको उन सभी प्रॉब्लम्स को टारगेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एलेक्स को रियलाइज हुआ कि उनके सभी क्लाइंट्स को अपने गोल को अचीव करने का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था डाइट, ग्रोसरीज लाना, सही प्रोपोर्शंस में खाना बनाना, मील प्लानिंग। ये प्रॉब्लम उनके सारे कस्टमर्स फेस करते थे। इलॉन मस्क कहते हैं, यू आर पेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम्स यू सॉल्व। और बिजनेस में आप अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपना प्राइस बढ़ाना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा।
एंड फाइनली राइट डाउन इंडिविजुअल सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑब्स्टिकल। आपको अपने कस्टमर के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढ के ऐसा ऑफर बनाना होगा जो आपके कस्टमर के डिजायर्ड गोल के बीच में आने वाले सभी ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर देगा। ये सारे सॉल्यूशंस मिलकर ही आप एक ग्रैंड स्लैम ऑफर बना पाओगे। एलेक्स हरमोजी को बहुत ज्यादा सक्सेस तब मिली जब उन्होंने $99 पर मंथ जिम मेंबरशिप्स बेचना बंद कर दिया, जो कि हर कोई दूसरा जिम बेच रहा था। एलेक्स हरमोजी ने अपनी लाइफ ऐसे ट्रांसफॉर्म करी, वो $99 पर मंथ की जिम मेंबरशिप बेचते थे जो हर जिम ओनर बेच रहा था, और वो एक कमोडिटी ट्रैप में फंस गए। इससे निकलने के लिए उन्होंने $600 का 6 week फिटनेस चैलेंज बनाया, जिसमें सब कुछ था जो एक इंसान को फिट होने के लिए चाहिए। उन्होंने अपने कस्टमर को एक एक चीज के बारे में बताया, हेल्दी फूड लेने जाना, कैलोरीज फिगर आउट करना, सभी चैलेंजेस को ओवरकम किया। एलेक्स ने अपने इस प्रोग्राम में एक पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग और वीकली ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट प्रोवाइड करी, और ये एक सिंगल छोटी सी चीज ने उनके ऑफर को बाकी जिम से 10 गुना ज्यादा वैल्यूबल बढ़ा दिया। इसके अलावा उन्होंने एक मनी बैक गारंटी भी ऐड करी, जिसकी वजह से एलेक्स को इस प्रोग्राम के एडवर्टाइजमेंट पे 13 times से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। फोर्थ लेसन इस बुक का है, स्टैक योर ऑफर। जब आप एक ग्रैंड स्लैम ऑफर बना लो, उसे लोगों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। लोगों को कन्विंस करने के लिए कि आप जिन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ऑफर करने का दावा कर रहे हो वो सब सच है, इसीलिए यहाँ आपको अपने ऑफर की परसीव्ड वैल्यू को बढ़ाना होगा, जिसके लिए आपको 3 चीजों पर फोकस करना है। नंबर 1 इज नेमिंग। अपने ऑफर को एक एक्साइटिंग नाम दो, उस नाम में वो रिजल्ट जरूर इंक्लूड करो जो आपके कस्टमर को चाहिए। एलेक्स कहते हैं एक अच्छे नाम में कई बार इन 3 चीजों को इंक्लूड करा जाता है। ये किसके लिए है, इसमें कितना टाइम लगेगा, या इस प्रमोशन को क्यों किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, 2-hour समर लीडरशिप क्लास फॉर मैनेजर्स, कम्युनिकेशन मास्टरी फॉर इंट्रोवर्ट्स, या एलेक्स का 6 week फिटनेस चैलेंज। नंबर 2 इज स्टैकिंग। अपने ऑफर को मल्टीपल पीसेस में बांट दो और हर एक इंडिविजुअल पीस को वैल्यू दो। हर एक पीस का प्राइस दिखाओ और फिर लास्ट में उन सभी चीजों को एक साथ स्टैक करके टोटल प्राइस को बहुत कम कर दो, ताकि आपके ऑफर की परसीव्ड वैल्यू बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक लीडरशिप कोच है जो 2 घंटे की मास्टर क्लास $50 में बेच रहा है, पर साथ ही में एक ऑडियो बुक बेच रहा है $35 की। इस पूरे गाइड का एक इम्प्लीमेंटेशन पैकेज $15 का। इन सब को अगर आप ऐड कर दो तो इन सब का टोटल होगा $120, पर सिर्फ समर्स के लिए आपको ये ऑफर मिल जाएगा $80 में। तो ऐसे स्टैक करके इस लीडरशिप कोच का प्रोग्राम और ज्यादा वैल्यूबल हो जाएगा। आप यही चीज मैकडोनल्ड्स में भी देखोगे कि अगर आप अलग से बर्गर, अलग से फ्राइज या अलग से कोक लेते हो तो आपका टोटल ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप एक मील खरीदते हो तो आपका टोटल कम होगा। और नंबर 3 है गारंटी। एलेक्स कहते हैं ऑफरिंग अ गारंटी इज द नंबर 1 वे टू इंक्रीज सेल्स। जब भी कोई कस्टमर कुछ खरीदता है तो वो एक रिस्क लेता है, जिसमें उसे डर होता है कि उसका टाइम या पैसा वेस्ट हो जाएगा। गारंटी ऑफर करने से आप अपने कस्टमर के माइंड में इस रिस्क को कम करते हो, और यूजुअली सबसे बेस्ट गारंटीज अनकंडीशनल होती हैं, जो बिना किसी कंडीशन के कस्टमर को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी रीजन से ये प्रोडक्ट नहीं पसंद आया तो आपके पैसे वापस। अमेजोन की भी सिमिलर रिटर्न पॉलिसी है, जो बिना किसी क्वेश्चन के वो आपका प्रोडक्ट वापस ले लेंगे। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि वही गारंटी ऑफर करो जो आप सच में प्रॉमिस कर सकते हो। अपने प्रॉमिस को तोड़ना आपकी रेप्यूटेशन बहुत जल्दी खत्म भी कर देगा। एंड द लास्ट लेसन इज मेक इट लिमिटेड। अपने ऑफर की डिमांड बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है उसे लिमिटेड बनाना। अगर आप बहुत सारी चीजें सेल कर रहे हो, इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस कर रहे हो, और वो चीज कोई भी कभी भी कितना भी खरीद सकता है, तो लोग आपके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा कि आप फेक हैं। बट वहीं अगर आप अपने ऑफर को लिमिट कर दोगे, आपकी डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। आप इन 3 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का यूज करके अपने ऑफर को लिमिटेड बना सकते हो। नंबर 1 इज स्कैर्सिटी। हम सब इस बात पर बिलीव करते हैं कि जो चीजें मुश्किल से मिलती हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं। मुश्किल से मिलने वाली चीजें हमें ज्यादा वैल्यूएबल लगती हैं, क्योंकि लोग किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी से उसकी क्वालिटी को जज करते हैं। एलेक्स के हिसाब से सबसे बेस्ट स्कैर्सिटी होती है ऑनेस्टी। अपनी स्कैर्सिटी दिखाने के लिए झूठ मत बोलो, बल्कि सच बताओ। फॉर एग्जाम्पल, हर बिजनेस की एक लिमिट होती है कि वो कितने क्लाइंट को सर्व कर सकता है, तो उसी नंबर को एडवर्टाइज करो। अगर आपके पास 50 से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व करने की कैपेसिटी नहीं है तो बस दिखाओ ओनली 50 seats लेफ्ट। सेकेंड चीज है अर्जेंसी। डेडलाइंस और लिमिटेड टाइम प्रमोशंस का यूज करने से लोग प्रोक्रास्टिनेट करने के बजाय उसी टाइम खरीदने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। एक जिम ओनर अपने न्यू क्लाइंट को जनवरी में फ्री प्रोटीन बॉटल दे सकता है, फेब में उसको एक योगा मैट दे सकता है, मार्च में फ्री टी शर्ट दे सकता है। इस तरीके से हर महीने में ज्वाइन करने का एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, जिससे लोग प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे और आपके ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे।
और थर्ड है एक्सक्लूसिविटी। लोग उन चीजों के लिए ज्यादा पैसे देते हैं जो उनकी स्टेटस को बढ़ाए। जैसे अभी करेंटली बर्नार्ड आर्नॉ दुनिया के रिचेस्ट मैन है, जिन्होंने अपनी पूरी वेल्थ लुई वुइटन और क्रिश्चियन डियोर जैसे लग्जरी ब्रांड से बनाई है। एलेक्स कहते हैं वो $500 के 20 क्लाइंट को सर्व करने के बजाय 5000 के 2 क्लाइंट को सर्व करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो कहते हैं आपको कभी भी अपने प्राइस को कम नहीं रखना चाहिए। प्राइस को अगर ज्यादा रखोगे तो लोगों को लगेगा कि आप एक हायर ऑडियंस को सर्व कर रहे हो, आप ज्यादा चार्ज कर रहे हो क्योंकि आप ज्यादा वैल्यूएबल हो। तो कभी ये ना सोचो कि मैं अपना प्राइस कितना कम कर सकता हूँ, ये सोचो कि अगर मुझे अपना प्राइस बढ़ाना है तो मैं और क्या ऑफर कर सकता हूँ जिससे ये ऑफर एकदम एक्सक्लूसिव एंड इररेजिस्टिबल हो जाएगा। बर्नार्ड आर्नॉ की लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।